खबर पीहोवा। हरियाणा से आ रहे खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही। सरकार का प्रयास है कि सड़कों से गौवंश को हटाकर उन्हें एक सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर इंसान और गौवंश दोनों को सुरक्षित किया जा सके। खेल मंत्री संदीप सिंह गौवंशी के मौके पर श्री कृष्ण कृपा वहीं गौशाला में गौ पूजा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा स्वयं गौशालों का संचालन करने की बजाय गौशालों का संचालन करने वाली समितियों को भी अनुदान दिया जा रहा है, जिसका मकसद गाय और नंदियों को आश्रम प्रदान करना होगा। गौशालों में नंदियों के अलग से निवास की व्यवस्था करने में भी सरकार मदद करेगी। उन्होंने बताया कि 100% अनुपयोगी पशुओं को रखने वाली गौशालों को प्रति वर्ष पशुधन सहायता दी जाएगी। केवल नंदियों को ही रखने वाली गौशालों को नहीं अलग से पशुधन सहायता दी जाएगी। बता दें कि जिला स्तर पर इन समितियों की निगरानी पशुपालन विभाग के उपनिदेश कर रहे हैं। वहीं बता दें कि पूर्व खेल मंत्री ने प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर में पहुंचकर अष्टमी के मौके पर माथा टीका और प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर कार्यकारिणी की ओर से खेल मंत्री संदीप सिंह को सम्मानित किया गया। प्राइम वीकी न्यूज चैनल के लिए पीहोवा से कुलवंत सिंह। सभी को बधाई देता हूँ। श्री कृष्ण की हमारी गौ सेवा बहुत करती है और मैं भी खुद जुड़ा हुआ हूँ। ज्ञानंद जी महाराज जी की कृपा से पूरे प्रदेश भर में देश भर में जो गौशाला हैं वो लगातार उनके जो शिष्य कह सकते हैं जो उनके साथी हैं वो सेवा कर रहे हैं, उनको भी इस त्यौहार की मैं बधाई देता हूँ। और गौ सेवा जो कि हम गौ को अपनी माता मानते हैं पूरे देश भर में और पूरे विदेशों में, ये जानकर खुशी होती है कि जब हमारे समाज के लोग इस त्यौहार को मनाते भी हैं और लगातार पूरे साल गौ की सेवा करते हैं और अपने परिवार की तरह।